और भी काम कर रहे हैं जिंदगी में, इसका मुंह सीधा करवा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है, तेरा फर्स्ट टाइम है, उनका तो लास्ट टाइम मत करो ना। हे फैमिली, व्हाट्स अप, वेलकम टू रिमोरो प्रेजेंट्स वी व्लॉग्स। तो पीछे से क्या बोली मैं? हाँ पता है पता है पता है पता है, एक तो इतना दूर बैठी है, इसकी आवाज आपको सुनेगी भी नहीं। सो गाइस, जो आज हम करने जा रहे हैं, सीधे ही मुद्दे पे आते हैं क्योंकि ये चैलेंज मेरे दिल के बहुत करीब है। सो गाइस, हम बनाने जा रहे हैं एक गाना, और ये गाना हमें बनाना है सिर्फ 24 आवर्स में, यानी कि गाना लिखना भी है, कंपोजिशन भी बनानी है। जिसको गाने के बारे में पता नहीं गाना बनता कैसे, उसके लिए तो बहुत ही एंटरटेनमेंट है, और जिसे पता है उसके लिए भी है। हम लोग को गाइस इतना ज्यादा काम नहीं जितना डूड को होगा, क्योंकि मुझे म्यूजिक बनाना नहीं आता ना। मुझे पता क्या है भैया, ना खुद ही सोचते रहते, मैं सिर्फ बैठी करती हूँ, अच्छा ये लाइन लिखनी है, ओके चलिए ओके ओके। मेरा साल ले जावे, स्नैप चढ़े उतरे सारे फिल्टर लावे 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 मुझे बताओ कि कौन सी कॉम्पोजिशन आपको अच्छी लगती है? Okay. पहली कॉम्पोजिशन, पता नहीं कुछ भी बजा रहा हूँ। Nice, nice. अच्छा, ये है क्या सवाल? मुझे एक सवाल है। हाँ, मुझे एक सवाल नहीं, मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे एक सवाल है, ये कोई बीमारी है? अच्छा, मुझे एक मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ पूछो। ये जो कॉम्पोजिशन आपके दिमाग में ऐसे कैसे आती है यार? गाइस, ये जो गाना बजाना सीखते हैं ना, या ये अचानक ही आ जाती है, ये जिवे ओ नहीं होता पुरानी याद आनी, वैसे कॉम्पोजिशन आ जाती है। पुरानी याद आने को बोला, भूत आने को नहीं बोला है। ओके, सेकंड सेकंड सेकंड। ओ, दोनों में फर्क है। ओ या हो, इतना सा फर्क है। नाइस। अच्छा, आर वी गोइंग विद द स्वीट टोन? I don't know. हमें पता ही नहीं गाना किस जोन में बनाना है, क्योंकि गिटार पे लगे, गिटार पे है, तो हम थोड़ा सा बनाए गाना एकदम यू नो बीट वाला, जो बुम 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 बा। EDM. हाँ हो, EDM. EDM के फुल फॉर्म बताइए जरा। EDM की फुल फॉर्म। EDM. E से एलिफेंट, D से डॉग, M से मोटा। क्या? मोटा। मोटा। एलिफेंट डॉग मोटा। So guys, ये है थर्ड, ठीक है? Okay. This one is nice. Done. This is nice, na? चलो इस पे गाना लिखते हैं, क्योंकि गाना लिखने में बहुत टाइम जाएगा। पर गाना लिखना है। एक मिनट, पहले मुद्दा क्या रखें? गाने का मुद्दा बताओ। संजय क्या रख रहा है? संजय, what do you think? Fortnite? अबे यार, Fortnite पे कौन? बांदर? दीक्षा? Bro, करना उसने टाइप्स बना। गाइस, ये गाना बनाने नहीं देंगे, अपने शौक पूरे करेंगे खुद की लाइफ के ऊपर, लेकिन वो कौन सुनेगा? घर वाले सुन लेंगे। फिर क्या बना है? और कोई बचा ही नहीं। या पार्टी सॉन्ग? गीता दी मशीन। अबे बोहिमिया नहीं गाना? गीता दी मशीन, बोहिमिया, कुड़ी कैंडी, कुड़ी कैंडी। गाइस, मैंने गाना है, दो गाने निकाले थे, एक छोटा मोटा की जफ्फी, वो आप जाके देख लेना, सर्च कर लेना, वो मैं अपना खान गाना भी नहीं गा सकता, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। तेरी बातों में बातें ना होती मुलाकातें, दिल रहता है पुकने चीज। चल तू भाड़ में जा, चल तू भाड़ में जा। वाह दीक्षा, तू तो गाना ना ही गा। पहली लाइन गाने की डूड सुनाओ। मेरे बहन मेरे भाई, ना खत्म होती इनकी लड़ाई, बस अभी इतना ही लिखा है। कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका है, अभी पूरा रैप बन चुका है। अब हम रैप बना रहे हैं, अब ये पूरा रैप बना रहे हैं। देखो, पता नहीं क्या चेंजेस होंगे, हमें जब लास्ट मोमेंट तक नहीं पता लगता। मैंने पूरा गाना लिख दिया है, एक एक लिरिक्स पूरा मैंने अपने मुंह से निकाला है। इट्स अबाउट बहन एंड भाई का गाना।
थक गया यार मैं, ओह माय गॉड। तूने लिखा है? हां मैं, हां जी। पहले लिरिक्स बोलना तो सीख ले, रिलिक्स बोलते हैं। चलो यार छोड़ो, लिरिक्स बोल, इसको आज बोलना सिखाते हैं, बोल लिरिक्स। रिलिक्स, रिलिक्स नहीं, लिरिक्स, रिलिक्स। अबे एल से लिरिक्स। मेरे बहन मेरे भाई, ना खत्म होती इनकी लड़ाई, करते हैं तंग देखो इनके ये रंग, देखो कितना पया मैंने वे शदाई। ओ ओए ओ, ओ ओ ए ओ, तू मुझे छोड़ दे हालातों पे, बिगड़ी हुई बातों पे, ना कर मुझको तू शर्मिंदा। अभी आगे लिखना है। ओके, आपको मैं शर्मिंदा करती हूं? तू बहुत बार शर्मिंदा करती यार। अभी कर रही है लाइव, ऑडियंस कितने मिलियन लोग देख रहे हैं। नो, आई एम अ बेबी क्वीन। ये भी शर्मिंदा पार्ट टू। So guys, हमने गाना लिख लिया है, yes. सब कुछ हो गया है और अब हमें सीधा ही सुबह जाना है। और क्या करना है? सुबह जाके हमें रिकॉर्डिंग करनी है। अब हम सुबह करेंगे गाइस बाकी बातें। सो ऑफ टू स्लीप। सो गाइस, ये है नेक्स्ट डे और हमने नेक्स्ट डे नहाने के बाद भी सेम कपड़े पहन लिए। हम अपने घर वालों को तंग नहीं करते। और ये देखो दीक्षा शर्मा, इसकी वजह से गाइस, इसकी वजह से ये देखो पूरा दिन निकल गया। आज कॉलेज चलेगी, साड़ी पहन के कहती कोई फेस्ट था। इसे अपना कॉलेज ज्यादा एंजॉय करना है। कॉलेज में वो ये नहीं की पढ़ाई हो, बंदा बोलता एग्जाम देने गया। फेस्ट फेस्ट था, फेस्ट में भी अटेंडेंस लगती है, इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है अटेंडेंस। गाइस ये सारे सिर्फ कॉलेज में शौक पूरे करने गई है, पैसे ने वेस्ट किए साडे। कौन से शौक? आप हमने पिछले में क्या लिख क्या दिया, वी लव यू दीक्षा, टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया। कॉलेज लाइफ थोड़ी एंजॉय भी तो करनी चाहिए, जब चैलेंज कर रहे हैं तो तेरे को एंजॉयमेंट। गाइस अब इसने बोल दिया कि इसने एंजॉय किया, मैंने सिर्फ वोंगे के बोला कि गाय दीक्षा क्या हुआ, कहाँ है तू? कहती अभी निकल रही हूँ, क्योंकि क्या है ना अभी वो फेस्ट अभी खत्म हुआ है, अभी तो फेस्टिवल को खत्म होने का वेट कर रही है, चैलेंज कर रहा है। गाइस आफ्टर जो गाना था हमारा जो तो वेक के हंसदी टुनाइट, यस, उसके बाद अब गाने जा रहे हैं और गला तो पता नहीं कैसा होगा। मेरी बहन मेरा भाई, ना खत्म होती इनकी लड़ाई, करते हैं तंग देखो इनके ये रंग, देखो कितना पया मैनू है शदाई। कब के लगे इसका सच्ची में, इसका मन ही नहीं आ रहा माइक पे, तंग कर मारा। हेमंत जी कह रहे मैं और भी काम कर रहे जिंदगी में, इसका मुंह सीधा करवा रहे। तेरा फर्स्ट टाइम है, उनका तो लास्ट टाइम मत करो ना। दीक्षा ने कर लिया है, मैंने कर लिया है, संजय ने कर लिया है, अब टाइम है रिजल्ट्स का जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। सो वी आर गोइंग, मेरी बहन मेरा भाई, ना खत्म होती इनकी लड़ाई, करते हैं तंग देखो इनके ये रंग, देखो कितना पया मेनू है शदाई। मतलब बेमतलब रोने की बीमारी है, लोग कहते देखो ये बेचारी है, छोड़ो क्या बोले गलती हमारी है, इतनी सी नहीं सारी की सारी है। तू मुझको छोड़ दे हालातों पे, बिगड़ी हुई बातों पे, ना कर तू इतना शर्मिंदा, पड़ गए चाले हाथों पे, बस कर ओ मेरी बहना, मजबूरी तेरे साथ में रहना, बोल दिया अब सब कुछ मैंने और कुछ मुझको ना कहना। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या बोले? मतलब बेमतलब रोने की बीमारी है, लोग कहते
कुत्ते देखो ये बेचारी है, छोड़ो क्या बोले गलती हमारी है, इतनी सी नहीं सारी की सारी है। तू चुप रह, तू रहने दे, जैसा फ्लो चलता है उसे बहने दे, दिल की है बातें आज तेरे सारे बड़े राज खुल्ला खुल्ला कहने दे। तू चुप रह, तू रहने दे, जैसा फ्लो चलता है उसे बहने दे, तेरी चींची पैं पै चींची पैं पै रहने दे। तू मुझको छोड़ दे हालातों पे, बिगड़ी हुई बातों पे, ना कर तू इतना शर्मिंदा, पड़ गए चाले हाथों पे। बस कर ओ मेरी बहना, मजबूरी तेरे साथ में रहना, बोल दिया अब सब कुछ मैंने और कुछ मुझको ना कहना। तू चुप रह, तू रहने दे, जैसा फ्लो चलता है उसे बहने दे, दिल की है बातें आज तेरे सारे बड़े राज खुल्ला खुल्ला कहने दे। तू चुप रह, तू रहने दे, जैसा फ्लो चलता है उसे बहने दे, तेरी चींची पैं पै चींची पैं पै रहने दे। मैं क्या चीची पैपे कर रही हूँ? पूरे टाइम चीची पैपे करती रहती है। मैं कोई चीची पैपे नहीं करती, तू कर रहा है। अरे यार गाइस, गाने में क्यों लड़ रहे हो यार? तू ये कह रहा है कि मैं चीची पैपे कर रही हूँ। पूरे टाइम चीची पैपे करती रहती है ना। मैंने कौन सी की? तू करता है। अरे यार रब्बा बचाई। ओके सो गाइस, इस तरीके से खत्म होता है हमारा आज का चैलेंज। हमने 24 आवर्स में कितना टाइम हुआ ब्रो, हमने अपना चैलेंज पूरा किया, और वो भी गाना तो जैसा बना गाइस, हंस लो या सीख लो, लेकिन हमें मजा आया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रिमोरो प्रेजेंट्स री व्लॉग्स। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। संजय सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यही है कि कुछ नहीं, 102 के लाइक थे, हम बनाएंगे इस पे स्पेशल म्यूजिक वीडियो। आप खुद ही बताएंगे कमेंट करके क्या होना चाहिए म्यूजिक वीडियो में। ठीक है, सो ठीक है फिर गाइस, जाने से पहले अगर हम बोलते हैं परंपरा को आगे बढ़ाना है, इसका मतलब सब्सक्राइब का बटन दबाना है। वो हमें शौक नहीं है ऐसे बोलने का, तो परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाना है। मुझको छोड़ दे हालातों पे, बिगड़ी हुई बातों पे, ना कर तू इतना शर्मिंदा, पड़ गए चाले हाथों पे। बस कर ओ मेरी बहना, मजबूरी तेरे साथ में रहना, बोल दिया अब सब कुछ मैंने और कुछ मुझको ना कहना।